हल्द्वानी में अवैध मदरसा ढाने गई पुलिस पर पथराव, थाना फूंका कोतवाल समेत 50 पुलिसकर्मी घायल। बवाल के बाद शहर में लगा कर्फ्यू, इंटरनेट सेवा बंद, 6 की मौत, 300 से ज्यादा घायल, वाहनों को फूंका। अतिक्रमण हटाने गई टीम पर तीन तरफ से हो रहा था पथराव, पुलिस को जान के पड़े लाले, भागने के सिवा नहीं था कोई रास्ता। तंग गलियों के चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस गई थी पुलिस, उपद्रवियों की उग्रता देख पीछे हटने को मजबूर हुए अफसर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बवाल पर की हाई लेवल बैठक, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के दिए आदेश। हाई कोर्ट के आदेश के बाद हल्द्वानी में हुआ एक्शन, तोड़फोड़ से पहले सभी को मिला था नोटिस। हल्द्वानी बवाल का डीएम वंदना सिंह ने किया पर्दाफाश, का प्लानिंग के साथ पुलिस को जलाने की थी साजिश। मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी देने के ऐलान पर बरेली में अलर्ट, 6 एसएसपी और 12 सीओ ने संभाली कमान, ड्रोन से निगरानी। दिल्ली में एक बार फिर खड़ा हो सकता है किसान आंदोलन, इनपुट से सख्ते में पुलिस अधिकारी, बैठकों का दौर जारी। इमरान समर्थक उम्मीदवारों ने 154 सीटों पर बनाई बढ़त, गौहर बोले जीत के साथ बनाएंगे पाकिस्तान में सरकार। घुसपैठ रोकने के लिए गृहमंत्री अमित शाह का बड़ा फैसला, आदेश के बाद भारत म्यांमार के बीच बॉर्डर किया सील। लैंड फॉर जाम मामले में दिल्ली की कोर्ट में सुनवाई आज, राबड़ी देवी उनकी दो बेटियां मीसा और हेमा होंगी पेश। आज दो दिवसीय दौरे पर ऑस्ट्रेलिया जाएंगे एस जयशंकर, सातवें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लेंगे विदेश मंत्री। छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार का पहला बजट आज, हाफ बिजली नल जल योजना समेत कई ऐलान संभव। नफरत भाषण मामले में तमिलनाडु भाजपा अध्यक्ष को झटका, हाई कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का समन रद्द करने से किया इनकार। यूपी में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं, मौसम विभाग ने फिर से बारिश की जताई संभावना। किसान नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, का हर बार बजट में किसानों से होता है छलावा। स्ट्रोक के रोगियों का स्वदेशी म्यूजिक थेरेपी से होगा इलाज, दिल्ली एम्स बोला विदेशी पद्धति भारत में नहीं कारगर। आतंकी अर्श डल्ला को कनाडा से लाने का रास्ता साफ, एनआईए की याचिका मंजूर, जारी हुआ था रेड कॉर्नर नोटिस। रूस के साथ युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना में बड़ा बदलाव, राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने आर्मी चीफ को हटाया। वाराणसी में गंगा के घाटों पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़, मौनी अमावस्या पर लोग लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। ईरान के सुप्रीम नेता खामनेई का फेसबुक इंस्टा अकाउंट बैन, मेटा बोला नीति का बार बार उल्लंघन करने पर लिया फैसला। 13 फरवरी को होगी आपकी राजनीतिक समिति की बैठक, गोवा हरियाणा और गुजरात में उम्मीदवारों का होगा निर्णय। गोपनीय दस्तावेजों के दुरुपयोग मामले में बाइडेन को राहत, कमजोर याददाश्त को लेकर फिर गिरे अमेरिकी राष्ट्रपति। जयंत के भाजपा में जाने की अटकलों पर बोले राम गोपाल का कौन कहां जा रहा है, इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। फेसबुक लाइव में उद्धव गुट के नेता की हत्या से घिरी सरकार, महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे ने क्राइम ब्रांच को सौंपी जांच। घोसलाकर हत्याकांड को लेकर सरकार पर बरसे आदित्य ठाकरे, संजय राउत बोले प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त, तो सीएम दें इस्तीफा। भारत में अंग प्रत्यारोपण से पहले होगी कागजात समेत अन्य जांच, मानव अंगों की तस्करी पर केंद्र सरकार ने मंत्रालयों को किया अलर्ट। हिमंत बिस्वा सरमा ने आगामी विधानसभा चुनावों पर किया दावा, बोले इस बार 100 सीटें जीतेगी भाजपा, खत्म होगी कांग्रेस। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा सरकार को दी राहत, सदन के महाभियोग प्रस्ताव और संशोधनों को किया निलंबित। दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी पर कैबिनेट की मुहर, अनुराग ठाकुर बोले 5G के प्रसार को मिलेगी मजबूती। भजनलाल सरकार के बजट पर बोले सचिन पायलट, कहा आम जनता की उम्मीदों के विपरीत दिशाहीन है बजट। सीएम नीतीश ने एक बार फिर एनडीए में ही रहने का किया दावा, बोले एक दो बार इधर उधर गया था, आगे ऐसी नहीं करूंगा गलती। सीएम नीतीश कुमार ने लाल कृष्ण आडवाणी से की मुलाकात, आडवाणी के आवास पर जाकर भारत रत्न मिलने की दी बधाई। छत्तीसगढ़ सीएम ने हर गारंटी को पूरा करने का किया वादा, बोले राजिम कुंभ को मिलेगी पहचान, नवा रायपुर में बनेगा इनोवेशन हब। अब शिक्षा विभाग के हवाले होगा स्वामी आत्मानंद स्कूल, 800 करोड़ के घोटाले पर स्कूलों की संचालन समितियां खत्म। झारखंड के राज्यपाल ने सोरेन के आरोपों को किया खारिज, बोले उनकी गिरफ्तारी में राजभवन की कोई भूमिका नहीं। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी का समन, धनशोधन मामले में पूछताछ के लिए जांच एजेंसी ने किया तलब। शिवराज चौहान ने लालकुई में ग्रामीणों से किया संवाद, गांव चलो अभियान में दीवार लेखन कर फूंका चुनावी बिगुल। किसानों ने हिसार के राजगढ़ रोड पर 5 घंटे लगाया पक्का मोर्चा, कहा 1 मार्च तक बीमा क्लेम नहीं मिला तो करेंगे बड़ा आंदोलन। 13 फरवरी को किसान आंदोलन के मद्देनजर पुलिस ने की तैयारी, फुल बॉडी प्रोटेक्टर गियर सूट से लैस हुए हरियाणा पुलिस के जवान। पंजाब में जाली दस्तावेज तैयार कर बेचती करोड़ों की जमीन, 13 से अधिक प्रॉपर्टी डीलर और कर्मचारियों को किया गया नामजद। पंजाब भाजपा प्रभारी का अकाली दल से गठबंधन से इनकार, विजय रूपाणी बोले शीर्ष नेतृत्व अभी इस पर नहीं कर रहा विचार।
खनौरी सीमा के रास्ते पंजाब से 13 को दिल्ली कुछ करेंगे किसान। गांव गांव जाकर किसान संगठन जुटा रहे राशन और फंड। पंजाब में 10,000 वाहनों में लगाए जाएंगे GPS। रूट डायवर्ट होने पर कंट्रोल रूम में जाएगा मैसेज। श्रीनगर में हुए आतंकी हमले के खिलाफ रोष प्रदर्शन। जम्मू से लेकर शोपियां और पुलवामा में कैंडल मार्च। ईडी की गिरफ्त में आया मोहम्मद अब्दुल्ला शाह। जम्मू कश्मीर के छात्रों को आतंक से जोड़ने का हाय आरोप। हिमाचल प्रदेश के लाहौल में शीतलहर ने बरपाया कहर। -27 डिग्री सेल्सियस तापमान से जमा तेल, दूध और पानी। 2500 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी ठगी मामले में कार्रवाई तेज। 2500 आरोपियों के खिलाफ जल्द दायर होगी चार्जशीट। हरियाणा में 4 IPS अधिकारियों को मिली पदोन्नति। आलोक राय और SK जैन को मिला DG का रैंक। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रभात। नमस्कार।